वेलकम टू सैम्स डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है आपके सामने ही दिख रहा है, ये स्नेक अभी हमने पकड़ा है, पूरी तरह से सेफ है और अपनी मूवमेंट भी कर रहा है। अभी इसको एक जगह से हमने पकड़ लिया है, यहाँ हमारे डेयरी फार्म के पास ही था, जो जहाँ पे हमारी गाय सब रह रही है वहीं पे था, तो इसको पकड़ के कई सेफ जगह पे छोड़ने वाले हैं। ये पॉइजनस स्नेक में नहीं आता, तो इसे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भाई इसको पकड़ने में थोड़ा दौड़ना पड़ा हमें, और यहाँ पे गर्मी भी बहुत है और ये सांप की मेटिंग सीज़न है। ये अभी एक बार छूट गया था हमसे, तो वापस यहाँ पे पकड़ के लेके आए थे। पहले हमने बताया कि ये हमारे डेयरी फार्म के जो गायों के बाड़े में से मिला है, तो वहाँ से हमने पकड़ा है। कल भी एक पकड़ा था, आज भी एक पकड़ा है। कल वाले को हमने सेफली एक जगह पे छोड़ दिया, उसका भी एक हमने वीडियो बनाया है, इसका भी हम लोग अभी बना रहे हैं। तो इसको हम बैग के अंदर डाल देंगे और फिर पैक करके कई सेफ जगह पे छोड़ने वाले हैं। ये कम्प्लीट है, इसको कोई जगह से डैमेज नहीं हुआ। ये स्टिक से हमने जो पकड़ा है उससे भी उसको कोई परेशानी नहीं है। अभी वो अपनी टंग से स्मेल ले रहा है आसपास की। इसके कान नहीं होते, इसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। जो सपेरे लोग आपको बीन बजा के दिखाते हैं कि सांप डांस कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो सांप सारे सांप जो हमारी थर्मल इमेज जो देखते हैं उसके हिसाब से ही मूवमेंट देते हैं। जो ये अभी हाथ से चिपक गया है, ये हमने झाड़ पे से पकड़ा है। ये जो हमारे डेयरी फार्म है, हमारी गायों का बाड़ा, उसके नज़दीक ही था, तो यहाँ से हमने इसको पकड़ा है। इसको हमने ये स्टिक से ही पकड़ा है। अगर आपके घर के आसपास जल्दी से ही कोई स्नेक देखे, तो सबसे पहले आप स्नेक कैचर का ही कॉन्टेक्ट करें, बगैर नॉलेज को इसको पकड़ने की कोशिश ना करें। हालांकि ये वेनमस स्नेक में नहीं आता, फिर भी इसकी ताकत भी कुछ ज़्यादा ही रहती है। जैसे देख रहे हो मेरे हाथ को दबा रहा है अभी। तो इसको हमने पकड़ा है, कहीं सेफ जगह पे छोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। इसको बैग के अंदर पुर के जहाँ पे इंसानी बस्ती ना हो, जंगल विस्तार जो हो वहीं पे इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे हम। तो इसको पहले बैग के अंदर डालेंगे। ये देखो जकड़ रहा है मेरे हाथों को, एट बना दिया है अभी, ब्रेसलेट बना है अच्छा सा। ये यहाँ पे ताकत पूरी लगाएगा वहाँ से छूटने के लिए, और मेरे हाथों में अच्छी तरह से जकड़ के बैठ गया है पूरी तरह से। ये तो ये अभी तो स्टिक भी नहीं छोड़ सकता और इसको भी नहीं छोड़ सकता, अच्छे से पकड़ के बैठ गया। ये जो स्नेक है इसको गुजराती में दामन बोलते हैं, इंग्लिश में म्यूकोसा और हिंदी में शेषना बोलते हैं। ये वेनमस स्नेक तो नहीं है। ये अभी जो टाइम है, अभी एक या दो बारिश हो जाए उसके बाद का जो टाइमिंग शुरू होता है, वो सबसे बेस्ट टाइमिंग सांप का मेटिंग सीजन होता है। तो यही जो सीज़न है, ये बोलते हैं भादरवा, यही सीज़न में सांप का सबसे ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाता है। और ये नॉन वेनमस स्नेक है इसलिए अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो ये सांप को देख के डर जाते हैं कि ये काटेगा तो इसमें से पॉइजन हमको आएगा। हाँ, नॉन वेनमस स्नेक भी आपको काटे तो भी आपको अस्पताल जाना ज़रूरी है। इसके अंदर कई सारे बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए कोई भी स्नेक आपको काटे तो हॉस्पिटल जाना ज़रूरी ही है। तो ये तो नॉन वेनमस है, इसको ऐसी जगह पे हम छोड़ने वाले हैं जो इंसानी बस्ती से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, तो जहाँ पे ये भी सेफ रह सके, इसको खाना भी ठीक से मिलता रहे। ये देखो फिर से शुरू हो गया, तुरंत उंगली के बीच जकड़ना शुरू। तो चलो इसको ज़्यादा परेशान ना करते हुए इसको हम एक बैग के अंदर डाल देते हैं, कभी एक वीडियो बनाते हैं। ये बैग में डालना थोड़ा दिक्कत वाला है। हाँ, कहीं पे भी आपको कहीं से भी दिखे कोई भी स्नेक, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है किसी स्नेक को पकड़ने का, तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें। हो सकता है उसको उसकी तरह से जाने दे, जहाँ पे भी जा रहा है। आप कोई भी स्नेक कैचर का कॉन्टेक्ट करें, अगर आपके पास नंबर नहीं हो तो गूगल सर्च करें। इस तरह से जस्ट डायल में से या गूगल में से आप स्नेक कैचर का नंबर लो, उसको कॉल करो, सांप की डिटेल्स दो, आपको जिस तरह से दिखा हो, अगर पूरा ब्लैक कलर का है, ये स्ट्रेप वाला कलर का है, ये कोई भी कलर का स्नेक हो, उसको डिटेल्स दो। वो लोग आएंगे, पकड़ेंगे और ऐसी सेफ जगह पे जाके छोड़ देंगे। तो आपको कहीं पर भी सांप दिखे तो आप खुद मत जाइए पकड़ने के लिए, ये रिस्की भी हो सकता है। आपको नहीं पता होगा कि कौन सा सेफ वेनमस है कौन सा नहीं है। तो चलो इसको बैग में डालने की कोशिश करते हैं।
सेफली। तो चलिए ये बैग हम लेके आए। प्लास्टिक के बैग में सबसे पहले ये ध्यान रखे कि कोई भी होल नहीं होना चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। डाल दो उसको, ले लो रस्सी, ले लो, करो पैक करो, नीचे जाने दो थोड़ा सा। अब एक नोट की तैयारी रखो, पहले नोट बांध दो, पहले दूसरे राउंड ले लो। अभी लगा दिए, पहले लूज ही रखना, मैं छोड़ के स्टिक निकाल देता हूँ, बरोबर। और आप पकड़ो तो ऊपर से ही पकड़ो, नीचे से नहीं। ओके रेडी, 3 2 1। फिर जरा सी खोल दो, जगह कर दो बंद, लगा दो नोट। थोड़ा सिंपल ही बांधना, इसको खोलना भी है हमको वापस। तो ये हमने पैक कर दिया है, सेफ जगह पे छोड़ने जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे काम है, इसको एक ऐसी सेफ जगह पे छोड़ रहे हैं कि गलती से निकल भी जाए तो वापस ज़्यादातर यहाँ पे ना आए। इसको भी एक जगह पे रख देते हैं, छोड़ने का वीडियो हम वहाँ पे जाएंगे तब बना देंगे। तो चलिए, जो हमने पकड़ा था हमारे फार्म पे से, इसको खोल देते हैं। ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको सेफली रह सकता है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ मिल सकती है, ज़्यादातर सांप मेंढक खाते हैं, तो ये तालाब के पास छोड़ रहे हैं। तो ये जगह भी ऐसी है कि इसको खाने पीने का भरपूर मात्रा में मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे तालाब है, थोड़ा उजाला है इसलिए कंप्लीट आपको दिख सकता है। और ये भी अभी बिंदास सो रहा है, देख लो अंदर कुंडली मार के ही बैठा है। चलिए रिलीज कर देते हैं इसको। चला भी गया, अभी तो दिखेगा भी नहीं, पानी में गया वो, देखो दूर से जा रहा है पानी में। तो चलिए, सांप को तो जाते हुए आपने देख लिया, हम लोग भी चलते हैं। अंधेरा भी काफी हो गया है और बारिश आने की, और बारिश के पहले की गर्मी भी अभी फील हो रही है। वहाँ पे थंडरस्टॉर्म भी हो रहे हैं, शायद वीडियो में आपको दिखे, आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये बारिश की सीज़न है, हम लोग भी घर पे जाते हैं। इसको ऐसी सेफ जगह पे छोड़ा है जहाँ पे इंसानी बस्ती कम है, ज़्यादातर परेशानी नहीं है। और सबसे मेन बात, ये पॉइजनस स्नेक नहीं था, तो इसको ऐसी जगह पे छोड़ सकते हो जिससे किसी को तकलीफ ना हो। काफ़ी सारे लोग वैसे ही डर जाते हैं कि ये पॉइजनस स्नेक है, इससे दूर रहो या फिर उसको मार दो। ऐसी बात नहीं है, अब पहले समझो, अगर वो जहरीला है ही नहीं तो उसको मारना क्यों। इसलिए हमने ऐसी जगह पे छोड़ दिया है जहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तालाब है यहाँ पे, मेंढक की संख्या भी इतनी होगी तो सांप आराम से खा सके। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो का अंत लेते हैं। गवर्नमेंट द्वारा मान्य की हुई वैक्सीन ले, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें और अपना ख्याल रखें।
थैंक यू।